24 घंटे के बाद ही लुधियाना से सांसद रवनीत बिट्टू का टोल बंद कराने का ड्रामा खत्म हो गया है। टोल पर लगाया गया धरना व टेंट को हटा लिया गया है। गौरतलब है कि 2009 से चल रहे टोल इतने वर्ष बिट्टू टोल बंद करवाने के लिए नहीं गए। अचानक लोकसभा चुनाव के आते ही उन्हें टोल की याद आ गई और अपने दल बल के साथ धक्के से उसे बंद करवा दिया। पर टोल फिर शुरू हो गया है, जो कि लोगों की जेबों को ढीला करेगा। रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा लाडोवाल टोल प्लाजा पर दिया गया धरना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जलंधर पानीपत में 6 लेन की कंस्ट्रक्शन के करने वाली कंपनी सोमा के अधिकारियों के साथ बैठक के उपरांत उठा लिया गया है, जिसके बाद संबंधित कंपनी के लिए समय के भीतर लुधियाना में लंबित पुलों के निर्माण कार्य को पूरा करने का भरोसा दिया है। उसी के साथ NHAI ने स्पष्ट किया है कि यदि कंपनी तय समय के भीतर अपना काम पूरा नहीं करेगी तो अथॉरिटी सारा काम अपने हाथों में ले लेगी। इन्होंने जो आज कमिटमेंट किया है कि 30 जून तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, 316 वाला, 311, 312 का 31 जनवरी 2020 तक कंप्लीट करेंगे। अगर वो डेडलाइन फेल होता है इनका, तो इसको जो बैलेंस काम है इसके लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के हिसाब से प्रोविजन होगा, कंपनी ऑथोरिटी डिसीजन लेंगे और अकॉर्डिंगली वो डिसीजन आगे फॉलो अप होगा। सर, आपका स्टेटस क्या रहेगा प्रोजेक्ट डायरेक्टर का? अगर ये कंप्लीशन टाइम बाउंड पे नहीं होता तो फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर का स्टेटस क्या रहेगा? इनका प्रोजेक्ट आप कैंसिल भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इनका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट 2024 तक है जी। और जो अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करते हैं तो जो भी इनबैलेंस जो बैलेंस काम रहेगा NHAI सेपरेट स्टैंडअलोन काम करेगी। जो डेडलाइन दी है ना जनवरी 2020 तक, जनवरी 2020 तो बता ही रहे हैं। नहीं करते ये वो पूछो, अगर वो नहीं करते हैं तो NHAI से पे टेस्ट एंड ऑल ऑन काम कराएगी। ठीक है, टेक ओवर करेगी NHAI। हाँ, टेक ओवर ही हो गया ना एक हिसाब से। एस्को अकाउंट जो भी एज पर कॉन्ट्रैक्ट होगा, एस्को अकाउंट टेक ओवर होगा या टोल टेक ओवर होगा या जो भी चीज होगा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के हिसाब से करना पड़ेगा। जो इसका रेट है, रेट ऑफ जो रेट टोल नोटिफिकेशन के हिसाब से है, रेट्स जो भी हाँ तो जो भी है आप सब जो भी रेट्स है, रेट्स लेंथ के हिसाब से होते हैं। जो लेंथ अगर ज्यादा लेंथ रहेगा तो ज्यादा रेट होगा, कम लेंथ रहेगा तो कम रेट होगा। तो रेट एक सबसे ज्यादा महंगा टोल है, महंगा टोल सस्ता टोल पूरे ऑल ऑफ इंडिया में इनफॉर्म रेट होता है। टोल रोड जो टोल नोटिफिकेशन होता है रेट इनफॉर्म रहते हैं, उसमें स्ट्रक्चर्स लेंथ के हिसाब से टोल का रेट निकलता है। सर, इसमें डायरेक्ट लीगल बाइंडिंग किसका रहेगा? अगर कंप्लीशन टाइम पे नहीं होता तो डायरेक्ट लीगल बाइंडिंग किसका है? कोई एक पर्सन होगा उसमें इन्वॉल्व, कोई लीगल बाइंडिंग होगा इसमें क्या? कंपनी के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी लीगल एक्शन लेना रहेगा NHAI लेगी। देखो साफ साफ जड़ियां ये तरीकां दित्तियां है, तो इस वेले सोमा वालिया ने भी तरीक दित्ती आ, तो नैशनल हाईवे भी साफ तौर पर जिन्ना वो कह सकते सी कह गए भी असी इन्हां दा टोल आ जिहड़ा वो टेक ओवर करांगे। जे 30 जून नूं ये कम नहीं जिहड़ा खत्म करदे जोधेवाल बस्ती वाला, 30 जून नूं इन्हां नूं कम खत्म करना पवेगा। उदों बाद जिहड़ा 311 अपोलो हॉस्पिटल आ, 312 कैंसर हॉस्पिटल आ, 15 अप्रैल नूं ये उत्थे कम शुरू करनगे, 15 अप्रैल नूं ये कम शुरू करनगे, 31 जनवरी नूं ये कम उत्थे जिहड़ा 2020 नूं ये खत्म करनगे। ये अज तिन्ना दा ये भरोसा दे के गए ने, ते जे इन्हां दियां कोई भी डेट्स तब्दीली आउंदी आ तां ये नैशनल हाईवे इन्हां नूं टेक ओवर करेगी, नैशनल हाईवे अपने हत्थ च कंट्रोल च जिहड़ा ये सारे सारा प्रोजेक्ट लै लेगी। देखो देखो गल्लां तां सारियां विश्वास ते भरोसे ते हुंदियां ऐ, उत्ते तक जिहड़ा ए इह सारे हुण हिले ने, ते जे हुण टाइम ते नहीं कम करनगे उह दुबारा फिर आपां तां उरे बैठे ही आ, लुधियाणे वाले तां किते गए नहीं गे, ते दुबारा तंबू ला के उरे आ जांगे। ते मैनूं लगदा पर हुण इह नौबत नहीं आएगी, जिहड़ा अज वी इन्हां ने कम शुरू करता ते आउण वाले दिनां च वी जिहड़ा कम आ तेजी नाल शुरू करनगे, क्योंकि इदों मैं समझदा इन्हां नूं समझाउण लई ਇਹ ਇੰਨਾ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।